नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये मुकेश कुमार जी आए हैं, हम इनकी नाड़ी देखते हैं और हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या सा मरीज़ को थोड़ा सा उधर बैठने के लिए कहना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इधर बैठिए स्लाइटली, और हमने पोजीशन चेंज करके फिर हम तर्जनी उंगली को हम इस प्रकार से अंगूठे के मूल पर रखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो वात की नाड़ी है इसमें पित्त का अनुबंध है। आपको दर्द रहता है ना, पूरे हाथों में दर्द रहता है ना, जलन रहती, जलन हाथ में दर्द रहता है। ये दर्द इधर जाता है इस तरफ और इस हाथों में जाता है। 4 महीने से दर्द है आपको। हाथ ऊपर जाता है, वो तो समस्या ना, हाथ ऊपर ले जाइए, पूरा आ जाता है हाथ ऊपर। नहीं, ये अब ये खिंचाव होने लगा है, ये खिंचाव हो रहा है, खिंचाव होने लगा। देखिए इनके जो है, इनकी नाड़ी देखी हमने और इनके नसों में खिंचाव है, हाथ पूरा ऊपर नहीं ले जा पाते। अभी देखिए, अब हम इनका मर्म चिकित्सा करेंगे। अब इनका हम मर्म मार्क करेंगे और मर्म से हम इनका उपचार करेंगे। अभी देखिए आप, अभी दर्द दबा जाएगा, ये मैं क्षिप्र कर रहा हूँ। पंद्रह से 18 बार क्षिप्र, फिर करेंगे ऊपर, फिर करेंगे आणि, फिर करेंगे उर्वी, फिर दूसरी तरफ का भी हम करेंगे क्षिप्र। वृक्षता बहुत अट्राइज। क्या काम करते हैं आप? प्लम्बिंग का काम करते हैं आप, लग रहा है। जैसे हमने इधर किया वैसे इधर हाथ, वो इधर वाले हाथ में भी करेंगे। बहुत ज्यादा देर तक काम किया है क्या आपने? नीचे कुछ लंबे समय तक काम किया है, जरूर ज्यादा, क्योंकि ये प्लम्बिंग का काम करते हैं, जॉब ओरिएंटेड भी ये पेन है, जॉब से रिलेटेड इसका। अब हम करेंगे इनका अंश वर्ग। थोड़ा सा अब हाथ ऊपर ले जाओ। क्या हुआ, कम हुआ पहले से कम है, स्टिफनेस कम है पहले से? थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। दर्द कम है पहले से? कम है ना। देखिए अभी बहुत इनको तकलीफ थी और अभी मैंने इनका क्षिप्र, पहले तो नाड़ी से मैंने रोग पहचाना, फिर मैंने इनका क्षिप्र ऊपर आणि पूर्वी और अंश किया और इनको एक ही सेटिंग में कम से कम 40-45% आराम मिला। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि नाड़ी विद्या सीख करके आप रोग पहचाने और मर्म से आप जो है वो रोगों को ठीक कर सकते हैं बिना दवा के। अभी मैंने कुछ दवा नहीं लिखी, कोई दवा नहीं लिखी है ना अभी मैंने। अब मैं आपको आगे की सलाह दूंगा। थैंक यू।